सात की विशेष संस्कृत का 12वीं पाठ का हम आज अभ्यास देखेंगे। पहला प्रश्न है, उपयुक्त कथानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथानाम समक्षम न इति लिखत। जो उपयुक्त कथन है उनके सामने आम और जो अनुपयुक्त कथन है अर्थात सही कथन नहीं उनके सामने ना लिखिए। पहला है, विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं द्वारा पूजी जाती है, यह कथन सत्य है इसलिए आम। बांग भूषणम भूषणम न अर्थात बाणी रूपी जो विद्या है वह आभूषण नहीं है, यह कथन सत्य नहीं है इसलिए ना। अगला, विद्या धनम सर्वधनेशु प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, यह सत्य है इसलिए आम। विदेश गमने विद्या बंधु जनहना भवती, विदेश जाने पर विद्या मित्र नहीं होती, यह बात गलत है, यह कथन गलत है इसलिए यहाँ पे ना लिखेंगे। अगला है, सर्वम विहाय विद्याधिकारम करो, सभी छोड़कर सभी को छोड़कर विद्या पर अधिकार करो, यह बात यह कथन सत्य है इसलिए इसमें आम लिखेंगे। अगला प्रश्न, अधोलिखितानाम पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखति, दिए गए पदों पर लिंग विभक्ति और वचन लिखिए। जैसे नरस्य पुलिंगम षष्ठी विभक्ति एक वचन, इसी तरह गुरुणाम पुलिंगम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। इसका ज्ञान करने के लिए हमें जो रूप हैं उन्हें रूप को याद करना पड़ेगा। केयुराह यह पुलिंग शब्द है प्रथमा विभक्ति और बहुवचन है। कीर्तिम यह स्त्रीलिंग शब्द है और द्वितीया विभक्ति एक वचन। भूषणानि यह नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति और बहुवचन है। अगला प्रश्न, श्लोकाशान योज्यति, श्लोकों का मेल कीजिए। विद्या राजसु पूज्यति ना ही धनम, इसका होगा विद्या विहीन पशु। केयुराह न विभूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्ज्वलाः, न चौर्यहारम न च राज्यहार्यम, इसका होगा न भ्रातु भाज्यम न च भारिकारी। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा, इसका होगा रत्नैर बिना भूषणम। बाण्य का समलंग करोति पुरुषम, इसका होगा या संस्कृता धार्यते। अगला प्रश्न, एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, एक शब्द में प्रश्नों का उत्तर लिखिए। पहला है, कह पुष पशु, कौन पशु है। विद्या विहीन जो विद्या से रहित है वह पशु है। का भोग करी, कौन भोग करने वाली है। उत्तर है विद्या। के पुरुषम न विभूषयन्ति, कौन पुरुष सुशोभित नहीं होता। केयुराह अर्थात बाजूबंद। अगला, का एका पुरुषम समलंग करोति, कौन एक क्या एक पुरुष को सुशोभित करती है अलंकृत करती है, वह है वाणी। कानि छीयन्ते, कौन नष्ट हो जाता है अर्थात भूषणानि आभूषण जो है नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न, रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित शब्दों से प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है, विद्या विहीन नरह पशु अस्ति, विद्या से रहित मनुष्य पशु है। इसका जब प्रश्न निर्माण बनाएंगे तो होगा विद्या से रहित कौन पशु है, इसका होगा विद्या विहीन कह पशु अस्ति। दूसरा, विद्या राजसु पूज्यते, विद्या की राजा पूजा करते हैं, इसका बनेगा का राजसु पूज्यते, कौन राजा के द्वारा पूजी जाती है। अगला, चंद्रोज्ज्वलाः हाराः पुरुषम न अलंकुर्वन्ति, उज्ज्वल अर्थात चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार पुरुषों को सुशोभित नहीं होता, इसका उत्तर बनेगा तो बनेगा कि कौन पुरुष अर्थात चंद्रमा के समान कौन पुरुष को सुशोभित नहीं
करती, अर्थात चंद्रोज्ज्वला के पुरुषम न अलंग कुर्वंती। पिता हिते नियुक्ते, पिता हित के लिए नियुक्त करता है, अर्थात इसका प्रश्न जब बनेगा तो बनेगा कह हिते नियुक्ते, कौन हित के लिए नियुक्त होता है। विद्याधनम सर्वधनम सर्वप्रधानम, विद्याधनम सर्वप्रधानम धनमस्ति, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। इसका प्रश्न बनेगा तो बनेगा विद्याधनम कीदृशम धनमस्ति, विद्याधन किस प्रकार का धन है। विद्या दीक्षु कीर्तिम तनोति, विद्या सभी दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। तो इसका प्रश्न निर्माण बनेगा विद्या कुत्र कीर्तिम तनोति, विद्या कहाँ कीर्ति फैलाती है। अगला प्रश्न, पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखति, पूर्ण वाक्य में प्रश्नों का उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, गुरुनाम गुरु कह अस्ति, गुरुओं का गुरु कौन है। उत्तर है, गुरु नाम गुरु विद्यास्ति, गुरुओं का गुरु विद्या है। कीदृशी वाणी पुरुषम समलंग करोति, किस प्रकार की वाणी पुरुषों को सुशोभित करती है, अलंकृत करती है। संस्कृता वाणी पुरुषम समलंग करोति, जो संस्कार युक्त वाणी होती है वह पुरुषों को अलंकृत करती है। व्यये कृते किं वर्धते, व्यय करने पर क्या बढ़ती है। व्यये कृते विद्याधनम वर्धते, व्यय करने पर खर्च करने पर विद्याधन बढ़ता है। भाग्य क्षय आश्रह कहा, भाग्य के नष्ट होने पर कौन सहारा होता है, भाग्य का सहारा कौन होता है। उत्तर है, भाग्य क्षय आश्रया विद्या, भाग्य के आश्रय भाग्य के नष्ट होने पर विद्या ही सहारा होती है। अगला प्रश्न, मंजुषातः पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग पदान चित्वा लिखति, दिए गए शब्द पेटिका से स्त्रीलिंग पुलिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग चुनकर लिखिए। जैसे हारह अलंकृता भूषण, उसी तरह पुलिंग में मूर्धजा पशु गुरु, स्त्रीलिंग में विद्या संस्कृता रति, नपुंसक लिंग में धनम कुसुमम सततम। तो आशा है कि इस पाठ का प्रश्न अभ्यास आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।